नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग खबर। इस वक्त की मिली ताजा जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन में बाहर फंसे श्रमिकों और छात्रों को लाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस क्रम में आज शाम दंडाधिकारी मदन मोहन की देखरेख में पुलिस अभिरक्षा के बीच 10 बजे रांची के लिए रवाना की गई। बता दें कि कोटा में फंसे विद्यार्थी वहां से स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंच रहे हैं। उनमें जमशेदपुर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के भी कई छात्र हैं, जिन्हें शहर वापस लाया जाना है। दंडाधिकारी मदन मोहन ने बताया कि कोटा से आने वाले छात्रों के लिए आज 10 की संख्या में बसें रांची के लिए रवाना की जा रही है। अभी जो है राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग 6 राज्यों से मजदूरों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें से है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इन राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए हम लोग 50 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग मुझे लग रहा है अभी तो बढ़ गया है, कल तक तो हम लोग 400 तक में थे, अभी तो बहुत ज्यादा, अभी लग रहा है कि उसे दुगुना होने की संभावना है। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।